बिल्कुल ये उचित बात है। अंदर की जो स्थिति है कांग्रेस की वो बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों को पोषित करने का, आगे बढ़ाने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब समाज को, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस प्रकार पूरे समाज को इन्वॉल्व करके, हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने का जो है वो संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे ले जा रहे हैं। उसके बिल्कुल विपरीत, उसकी बिल्कुल उल्टी पिक्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है। मंत्रियों का और मुख्यमंत्री जी का आपसी तालमेल और संवाद जो है वो नहीं है। JYTs की अभी एक अपनी मांगों को लेकर के जो वार्ता मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, उसमें तीन मंत्रियों के नाम जो है माननीय मुख्यमंत्री ने लिए कि ये तीन मंत्री जो है किसी ना किसी प्रकार से आपकी मांगे ना मानी जाएं, उसके लिए अड़ंगा लगा रहे हैं। बाद में वो मुकर गए अपने बयान से। तो ये दिखाता है, ये सिम्टम है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है प्रदेश का, और हम सब जानते हैं कि इससे एक महत्वपूर्ण विभाग कोई दूसरा हो नहीं सकता कि सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन से संबंधित ये विभाग है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि व्यवस्थाएं इस समय जो हैं वो ठीक नहीं है। इस सरकार ने ये बात की थी कि इमरजेंसी विभाग को, अगर हम IGMC की बात करें, जो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वहाँ की अगर हम बात करें तो कहा था कि इमरजेंसी को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे, एक बेड के ऊपर एक डॉक्टर, चार नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था जो है वो हमारी ओर से होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इतने दिन बीत गए, एक वर्ष से ऊपर सरकार का गठन हुए हो गया, लेकिन सरकार की ये बात जो है उन्होंने पूरी नहीं की है। आप इमरजेंसी में जाकर के देखिए कितना बुरा हाल जो है आज भी वहाँ पर है। और अगर हम बात करें एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसमें सामान्य सी एक दवाई जिसके बारे में, जिसका नाम सभी जानते हैं, पैरासीटामोल और नॉर्मल सेलाइन, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता जो है अस्पताल में एडमिशन के दौरान जब कोई पेशेंट यहाँ एडमिट होता है तो उसकी आवश्यकता रहती है, तो ये सामान्य सी दो दवाइयाँ भी जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रही हैं। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति, राम मंदिर निर्माण और 22 तारीख को श्री रामलला जी महाराज, श्री राम जी महाराज श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अवसर के ऊपर वहाँ उपस्थित रहेंगे, उनके शुभ करकमलों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है कि श्री राम मंदिर भी बना और श्री रामलला जी वहाँ पर विराजमान भी हो रहे हैं। वर्षों वर्षों की हमारे देश के, समाज की, लोगों की जो एक अपेक्षा थी वो पूर्ण हो रही है। 21 तारीख तक सभी मंदिरों की, देवालयों की, मठों की, धार्मिक स्थानों की सफाई अभियान जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं ने सब समाज के लोगों को साथ लेकर के, सब जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, और ये अभियान जो है वो 21 तक चला हुआ है।